नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समीप एच कोस्टी है। मैं रविंद्रा हॉस्पिटल में एज ए न्यूरो सर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे साइटिका के बारे में, जो कमर से दर्द शुरू होता है और पैरों में जाता है, वो एक तरफ भी जा सकता है, दोनों तरफ भी जा सकता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। साइटिका होता क्यों है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है डिस्क निकलना, जो हमारी लंबर स्पाइन होती है, मतलब जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें। एक तो आपको ये रीढ़ की हड्डी का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बोन है, ये डिस्क होती है, उसके बाद ये नसें होती है और ये जॉइंट्स होते हैं। इनमें से चार पाँच जो भी जगह है उसमें अगर दिक्कत होती है, जैसे कि उम्र के साथ स्पाइन का डीजनरेशन होना, ये डिस्क का निकलना, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, या तो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर या कैल्शियम की कमी होना, इसकी वजह से दोनों लेवल के पास निकलने वाली जो नसें हैं उसमें से किसी भी एक तरफ या कभी कभार दोनों तरफ डिस्क निकलने की वजह से हमें नसों में दर्द होता है, जो दर्द कभी कभार हमारे पैरों में भी जाता है। वो या तो हमारे थाई तक जा सकता है, या पिंडियों तक जा सकता है, या तो फिर पंजों तक जा सकता है, तो उसको साइटिका बोलते हैं। तो उसके इलाज में दो तीन चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले तो आपका एक्सरे और एमआरआई किया जाता है, एलएस स्पाइन का, कमर का एमआरआई होता है। उसमें अगर हमें मिलता है कि इसमें से किसी भी वजह से साइटिका होता है, तो उसके लिए हमें तरह तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सबसे पहले होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ लोकल ऑइंटमेंट दी जाते हैं। अगर डिस्क का पेन बहुत ज़्यादा होता है, साइटिका का पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए कमर में इंजेक्शन भी लगाया जाता है, और कभी कभार अगर वो उससे भी ठीक नहीं होता तो सर्जरी भी की जाती है। लंबर स्पाइन में इंजेक्शन लगाना, उसको बोलते हैं नर्व रूट ब्लॉक। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डिस्क निकली हुई है, इसके लिए हम यहाँ पे कमर के रास्ते से एक्सरे मशीन में देख के यहाँ पे एक सुई के द्वारा यहाँ पे दवाई छोड़ते हैं, जिससे आपको 1.5 से 2 महीने के लिए आराम मिलता है। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक। कभी कभार हमें यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं, इसके लिए भी इंजेक्शन लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं फैसेट जॉइंट इंजेक्शन, या तो फिर मीडियन नर्व रूट ब्लॉक होता है, या तो फिर कभी कभार यहाँ पे जो L5-S1 के बीच में जो सुराख होता है वहाँ पे दवाई छोड़ी जाती है, इसको बोलते हैं एपिडोरल स्टीरॉयड इंजेक्शन। ये एक तरीके का लोकल इंजेक्शन होता है, जिससे लगाने से 95-97% आपको आराम मिलता है, जो कि 1.5 से 2 महीना आपको आराम दे सकता है। थैंक यू।